दोस्तों आज की वीडियो में हम एक स्मार्ट वॉच को रिव्यू करने वाले हैं जो कि बोट कंपनी की तरफ से आता है। इसका नाम है बोट वॉच फ्लैश। तो इसको हम रिव्यू करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो आप ऑलरेडी वीडियोस देख चुके होंगे। ना ही मैं उस तरह से कंप्लीट रिव्यू दूंगा जो नॉर्मली लोग देते हैं, एक क्विक रिव्यू। मैं इसमें प्रोज एंड कॉन्स की बात करूंगा, क्योंकि अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 1999 में चल रहा है, वैसे 3000 रुपये की आती है। तो अभी फिलहाल आप इसको 2000 में परचेज कर सकते हैं, तो क्या उसके हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी होगी या नहीं। उसके बाद इसका हो सकता है प्राइस दोबारा से 3000 हो जाए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसको परचेस करने से पहले। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपको ये परचेस करनी चाहिए या नहीं, चाहे वो सेल में हो या आफ्टर सेल हो। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए श्री गणेश करते हैं। दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स में सबसे पहले बात करें हम इसके कॉन्स की, ताकि आप नेगेटिविटी पहले सुन लें, बाद में पॉजिटिव चीज़ें सुन लें तो मूड थोड़ा ठीक हो जाए। तो कॉन्स में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले चीज़ आती है इसकी बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड। वह दोस्तों इसके पीछे जो सेंसर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर जो प्लास्टिक लगी है इसके सेंसर्स के ऊपर, तो वहाँ पर स्क्रैचेज आना शुरू हो गए इतनी जल्दी। ज़्यादा दिन भी नहीं हुए मुझे इसको यूज़ करते हुए, फिर भी स्क्रैचेज आना शुरू हो गए। और कहीं स्क्रैच नहीं है, ना ही इसकी स्क्रीन पर है, ना ही आसपास कहीं बॉडी पर है, जो मेटल बॉडी है तो वहाँ पर कहीं भी स्क्रैच नहीं है, बट इसके जो सेंसर्स है वहाँ पर स्क्रैच आना शुरू हो गया। तो इतनी जल्दी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वहाँ पर इसमें स्क्रैचेज आ जाए। नेक्स्ट अगर बात करूँ कॉन्स में दोस्तों, इसकी स्ट्रैप क्वालिटी की, स्ट्रैप क्वालिटी मुझे ख़राब नहीं लगी है, स्ट्रैप क्वालिटी इसकी अच्छी है, लेकिन इसका स्ट्रैप जो है ना थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा बल्की है। तो आप जब हाथ में पहनते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा कुछ आपने अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आप रात में अगर पहन के इसको 2-3 दिन सो जाएंगे तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होगा। मैं इसको 2 दिन पहन के सो जाऊँ तो मेरे हाथ में थोड़े से ना रैशेज हो गए हैं। तो इसमें जो है जो हीट है वो अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि स्ट्रैप काफ़ी मोटा है इसका। तो ये भी आप इस बात को ध्यान में रखिएगा परचेज करने से पहले। नेक्स्ट सर बात करें दोस्तों इसकी कॉन्स की, तो यहाँ पर वो आ जाता है इसके अंदर फंक्शन से रिलेटेड, वो दोस्तों इसके स्पोर्ट्स मोड। इसमें बहुत ही कम स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, आप खुद ही चेक कर सकते हैं, बहुत ही कम स्पोर्ट्स मोड यानी 10 के करीब दिए हुए हैं। ये मुझे कमी लगी, स्पोर्ट्स मोड इसमें ज़्यादा होते तो ज़्यादा अच्छा होता, बहुत ही बेसिक से दिए गए हैं। ये मुझे कौन सी इसमें लगा ये कमी लगी कि स्पोर्ट्स मोड थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इसकी कमी की, दोस्तों वो है इसका वेकअप जेस्चर जो है वो ढंग से काम नहीं करता है। हो सकता है 10 में से आपका 8 बार 7 बार काम कर जाए, लेकिन 3 से 4 बार वो काम नहीं करता है, आप कितना भी हाथ को रोटेट करें। तो ये भी मुझे इसमें कमी फील हुई है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी इसको परचेस करने से पहले। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि क्या इसके अंदर लैग है, लैग इशू है या नहीं। तो हाँ थोड़ी बहुत इसमें लैग होते हैं, आपको परेशानी होती है, अगर नोटिफिकेशन मान लीजिए भर जाते तो उसको आपको अप डाउन करने में, स्क्रॉल करने में थोड़े से लैग वहाँ पे फील हो जाएंगे। तो ये भी मुझे कमी लगी, अगर ये लैग फ्री होता, थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो सॉफ्टवेयर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर बोट को, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें सब अच्छी हैं, कोई भी इसमें दिक्कत उस तरह की नहीं है। अगर बात करें दोस्तों इसके वॉच फेस से रिलेटेड, इसके अंदर जो वॉच फेसेस दिए गए हैं उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम दिए गए। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में इसकी चेक करेंगे, इसमें अगर चेक करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको थोड़े से ही दिए गए हैं 6 के करीब, लेकिन अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी चेक करेंगे तो वहाँ भी बहुत कम ही क्वांटिटी मिलती है। तो ये भी उन चीज़ लगी है, वहाँ पर अगर वॉच फेसेस ज़्यादा दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता यूज़ करने वालों के लिए, उनके एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता कि हाँ इतने सारे इसके अंदर वॉच फेसेस दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से। तो कैटेगराइज करके अगर दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्यूचर में अपडेट के बाद। और नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों इसमें जो कमी है वो इसके वॉच फेस से रिलेटेड है, जो सबसे बड़ी मुझे कमी लगी है इसमें, और हो सकता है इस बजट रेंज की सारी वॉच हैं, स्मार्ट वॉच है, उसके अंदर ये कमी देखने को मिले। वो दोस्तों जब भी आप इसके मोबाइल से वॉच फेसेस डाउनलोड करते हैं तो आप जब उसको लगाते हैं उसके बाद नेक्स्ट अगर डाउनलोड करते हैं तो प्रीवियस वाला डिलीट हो जाता है। तो एक स्टोरेज का सिस्टम ज़रूर होना चाहिए था कि आपके जो जितने भी आपने डाउनलोड किए हैं, अपडेट किए हैं वॉच फेसेस आपने क्लाउड से या मोबाइल एप्लीकेशन से, वो सारे के सारे यहाँ पर मेमोरी में स्टोर रहें, लेकिन वो स्टोर नहीं रह पाते हैं। आप जो लास्ट जो आप यूज़ करते हैं बस वही आपका रहता है जो आपने डाउनलोड किया रिसेंटली। तो ये मुझे एक सबसे बड़ी कमी लगी है, ये भी अगर जो है इशू रिजॉल्व हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। अदरवाइज़ इस वॉच में अच्छे भी बहुत सारे हैं। तो ये जो कमी थी मैंने आपको सारी बता दी है, अब बात करेंगे इसके अच्छाई की, क्या क्या इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं जिसके लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। दोस्तों अगर आपने मुझे यहाँ तक झेल ही लिया तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी वहाँ पर छोड़ दीजिए आपका कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। देखिए दोस्तों कितनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अभी पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ, फैन भी नहीं चल रहा, फैन बंद किया हुआ ताकि आपको शोर ना आए। तो आप लोगों के लिए मैं इतना सब कर रहा हूँ तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। अगर मैं दोस्तों प्रोज में अगर बात करूँ तो सबसे पहले इसके प्राइस से ही ले लेते हैं इसका, जैसे मैंने आपको बोला सेल में अभी इसका प्राइस 1999 चल रहा है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है परचेस करने के लिए।
3000 के आसपास हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस हो जाए क्योंकि उसमें बहुत सारे अपडेटेड वर्जन आ गए हैं, इनके भी अपडेटेड वर्जन आ गए हैं। तो अगर 2500 के पास आपको मिलती है फ्यूचर में भी तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन 3000 में थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस हो जाता है, उतना आप नहीं दीजिए। लेकिन हाँ, अभी 1999 में मिल रहा है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा जो है इसका प्राइस रखा गया है, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। और इसके प्रोज में नेक्स्ट अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, काफ़ी अच्छा जो है डायल है इसका, ये राउंड शेप में बहुत प्रीमियम आपको फील देता है, हाथ में जब पहनते हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगता है, और ये मेटल बिल्ड के साथ आता है, तो यहाँ आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी स्क्रैचेज आपको स्क्रीन में देखने को नहीं मिलेगी, ना इसके मेटल फ्रेम में देखने को मिलेगी। तो देखने में भी काफ़ी अच्छा है, बिल्ड भी काफ़ी प्रीमियम है, तो बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। अगर इसकी अगर बात करें फीचर्स की, तो जैसे ब्राइटनेस की बात कर ले तो ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी दी गई है, आपको ऐसा नहीं होगा कि धूप में परेशानी हो जाएगी, आपको काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन आप सारी जो नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हैं कि मोबाइल में जाके इसकी एप्लीकेशन में जाके कि कौन सी ऐप के लिए आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, कौन सी के लिए नहीं चाहते हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। आप यहाँ पर जिस भी चीज़ की, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, सब चीज़ों की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात मुझे इसकी लगी है दोस्तों। नेक्स्ट अगर कुछ फीचर्स की बात करें, जो मेन बेसिक फीचर है वो सारे इसके अंदर दिए गए हैं, चाहे आप इसमें सीडेंट्री मोड में बैठे रहें, या आप जो हाइड्रेशन वाला मोड हो कि आपने पानी कब पीना है कब नहीं पीना है, या आपका O2 लेवल हो, या आपकी हार्ट रेट बीट हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। बेसिक फीचर्स सारे के सारे दिए गए हैं इसके अंदर, कुछ फीचर हैं जो इसके अंदर नहीं दिए गए हैं, उसकी कमी यहाँ पर लगी, हो सकता है फ्यूचर में इसका नया सक्सेसर कोई आए, अपग्रेड वर्जन आए, वहाँ पर आपको देखने को मिले, बट इसमें फीचर्स की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अदरवाइज बेसिक जो फीचर होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर दिए गए हैं। कॉल आपके पास आती है, आप कॉल को अटेंड तो नहीं कर सकते हैं, ना ही रिप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ कॉल को डिस्कनेक्ट आप इसके थ्रू जरूर कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी मुझे अच्छी चीज़ लगी दोस्तों। इस प्राइस रेंज के अंदर बेसिक फीचर्स सारे के सारे इसके अंदर दिए गए हैं, तो ये भी आपको निराश नहीं करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेन चीज़ की, जो है इसके अंदर दोस्तों IP68 रेटिंग, आप इसको बारिश में यूज़ करें, पानी में, स्विमिंग में यूज़ करें, आप जो है जिमिंग करें, ट्रेडमिल करें, स्कीपिंग करें, ना ही पसीने में ख़राब होगी, ना ही पानी में ख़राब होगी, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर इसके अंदर दिया गया है इसके प्रीमियम बिल्ड के साथ। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि ये IP68 रेटिंग के साथ आती है। दोस्तों ये हो गया इसके प्रोज और कौन सी मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर मैं ऑल ओवर बजट की बात करूँ तो डेफिनेटली आप इसको 1999 में जो है एक मौका दे सकते हैं, ये बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, काफ़ी अच्छी बिल्ड के साथ आती है, बेसिक फीचर सारे इसके अंदर हैं, स्ट्रैप भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मोटा है, आपको परेशानी हो सकती है लॉन्ग टाइम पहनने में, आप रात को पहन के सोते हैं तो पसीने में दिक्कत हो सकती है, अगर एसी है तब दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेकिन अदरवाइज आप इस रेंज में इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इतने सस्ते में आपको दूसरी स्मार्ट वॉच जो है उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगी जो आपको ये देती है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।